जस्ट फॉर 349 रुपीज। कैन यू सी दैट ग्लो? सारे आप लोगों के लिए वॉच करूंगी, वर्ड्स ही खत्म हो गए मेरे पास। नंबर 3, प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टोन। मतलब हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लिपाक्षी कोचर एंड आई क्रिएट कंटेंट ऑन ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपने ऑलरेडी टाइटल से पढ़ लिया है, मार्स की न्यू फाउंडेशन आई हैं जो मैं रिव्यू करूँगी। एंड आई लिटरली हैव All the shades. अभी ऐसे 4 और है। Without wasting any more time, let's just get into the video. मेरे पास है कुछ दिनों से पड़ी और मैंने बिल्कुल नहीं खोली, ट्राई नहीं करी, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट इम्प्रेशन दे सकूँ। सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, दिस इज द पैकेजिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज जस्ट फॉर 349 रुपीज। मतलब 349 की फाउंडेशन अगर ये परफॉर्म, अभी तक मैंने जितने भी मार्स के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं मैं किसी से भी डिसअपॉइंट नहीं हुई। सो हाई होप्स है मेरी इससे। सो लेट मी जस्ट शो यू, मैंने पैकेजिंग खोल के देखी है, आई एम नॉट लाइंग, बट दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। मुझे अभी नहीं पता मेरा शेड कौन सा है, मैं सारे आप लोगों के लिए वॉच करूंगी। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, इट इज अ मार्स फाउंडेशन हाई कवरेज प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टोन। मतलब पहली फाउंडेशन मैं देख रही हूँ जिसमें ये लिखा है कि इंडियन स्किन टोन के लिए, गुड की ब्रांड्स अभी नोटिस कर रहे हैं, राइट? तो चलो स्वॉच करते हैं पहले। ओके, अभी मैं सिर्फ शेड स्वॉच कर रही हूँ। दिस इज शेड नंबर 1, इसका कोई नाम नहीं है, जस्ट 01 है, ठीक है? सो मैं सारे स्वॉच करूंगी। दिस इज श्योरली नॉट माय शेड, बट आप में से जिसका भी होगा आप देख लेना। दिस इज व्हाट शेड नंबर 1 लुक्स लाइक। दिस इज शेड नंबर 2, वेरी क्लोज टू 1, मुझे ज़्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है इन दोनों शेड्स में। इसके 8 शेड्स आते हैं बाय द वे, अगर मैंने बताया नहीं। दिस इज शेड नंबर 3, दिस इज क्लोज टू माइन, नो मे बी, आई थिंक 4 या 5 में मिल जाना चाहिए मुझे मेरा शेड। शेड नंबर 4 ट्राई करते हैं। दिस इज लुकिंग लाइक माई शेड, बट आई थिंक एक बार 5 भी दे सकते हैं, हो सकता है 5 बिल्कुल परफेक्ट हो। 1, 2, 3, 4 शेड नंबर 5, थोड़ा सा डार्क लग रहा है। आई थिंक अगर मैं 4 और 5 को थोड़ा सा मिक्स करूँगी ना तो मेरा शेड बन जाएगा, या फिर ये भी ठीक है सी। लेट्स सी, अभी थोड़ा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ये भी सही लग रहा है मुझे। दिस इज 5 शेड नंबर 6, सी डार्कर फैमिली पे जा रहा है अब थोड़ा सा शेड रेंज, राइट? शेड नंबर 7, ये डार्क है सी, ये बहुत डार्क है। मतलब मैं अपने से कंपेयर नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि शेड रेंज अच्छी है। एंड अभी तक मुझे मेरा शेड 4 लग रहा है, 3 भी मिक्स कर सकती हूँ, 5 भी, मतलब बैलेंस कर सकते हैं हम। लेट्स मूव टू द लास्ट शेड विच इज 8। ओके, दिस इज शेड नंबर 8, में थोड़ा पीछे होके आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। सी दिस इज 8, समहाउ आई फील 7, 8 से डार्क है सी, बट या दीज आर द शेड रेंज। आई कम क्लोजर एंड शो इट टू यू वंस। दिस इज 1, 2, 3, 4 लुक्स लाइक माई शेड, राइट? एंड 5, 6, 7, 8, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट। सारे स्वॉचेस हो गए, सबको सबके शेड पता चल गया, स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है? अब हम इसे रिमूव करते हैं क्योंकि अब हम अपना शेड लगा के इसका टेस्ट करेंगे। आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग फ्रॉम माई फेस, दिस क्लेम्स टू बी फुल कवरेज, वो सब क्या है, चलो अब वो ट्राई करते। कलर करेक्टिंग नहीं करी है मैंने, अब हम टेस्ट कर रहे हैं तो पूरी तरह से करेंगे। मैं शेड नंबर 6 विच इज अ डार्कर शेड फॉर मी से कलर करेक्टिंग करूंगी। 1 से 2 शेड डार्कर है, राइट? तो अगर आपके पास डार्कर शेड्स ऑफ फाउंडेशन है आप उसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। सो आई एम टेकिंग थोड़ा सा, सी मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ ऑन माई फिंगर्स, और मैं पहले कलर करेक्टिंग करूंगी, ठीक है, डार्कर शेड से, ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हम पूरी तरह से इस फाउंडेशन को टेस्ट आउट करें। लेट मी टेक माई ब्लेंडर एंड स्टार्ट टू ब्लेंडेड। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशन, दिस ब्लेंडेड ब्यूटिफुली, लाइक सी, 1 स्ट्रोक में ब्लेंड तो हो गई है। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
आई काइंड ऑफ लाइक केसेस ने मेरे डार्कनेस को कैंसिल आउट कर दिया एंड इट डिड कैंसिल आउट द डार्कनेस, नो डाउट ऑन दैट. लेट्स मूव टू द एक्चुअल फाउंडेशन शेड 4. यू नो व्हाई आई एम सो नर्वस, दिस इज द चीपेस्ट फाउंडेशन आई ओन, विच बाई चीपेस्ट आई मीन यू नो व्हाट आई मीन राइट, सबसे सस्ती है. तो लेट्स सी, आई एम थिंकिंग दिस मैच इज नाइस. मैं अभी कम लगा रही हूँ एक साइड पे, हम बिल्डेबल इसका लाइक पूरा टेस्ट करेंगे, बिल्डेबल है कैसी है, हाथ से कैसे ब्लेंड होती है, एक साइड पे ब्रश से करेंगे ताकि आप लोग एक पूरा डिफरेंस देख सको. सो वी आर जस्ट अप्लाइंग इट विद माई फिंगर्स हियर एंड हम इसे ब्लेंड करेंगे और एक साइड पे ब्रश से करेंगे सो दैट द डिफरेंस इज विजिबल. आई एम टेकिंग माई ब्लेंडर एंड सी. ओके, दिस इज अ गुड मैच फर्स्टली and it is blending very very nicely. It says to be full coverage, it is abhi tak to medium to fully hai, bahut sheer sa glow bhi de rahi hai. I am surprised 349 mein aisi coverage. Mars, what do you do yaar, kaise itne like, I mean kabhi kabhi sochti hu how do these brand earn, matlab ऐसी कवरेज ऐसा फॉर्मूला के साथ ब्रांड्स पैसे कमाते कैसे, राइट? सो सी, लुक एट दैट, आई लव इट, आई लव 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 इट. थोड़ा सा इसको शेयर रहने देते हैं. अब इस साइड पे थोड़ा पूरा ब्रश से कवरेज ज्यादा देख के देखते हैं कि कैसे ब्लेंड हो. कि तो मैंने अब एक पंप लिया है, आई एम टेकिंग फ्लैट ब्रश, उसकी मदद से मैं स्प्रेड करूंगी. सी, बहुत लाइट प्रेशर से आई एम स्प्रेडिंग ऑल ओवर. 04 इज द शेड. सी, इट इज फुल कवरेज, मतलब बिल्कुल एक लेयर आ गई. दैट इज ट्रू, अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो आप उसको बिल्कुल शेयर में लेके जा सकते हो, शेयर भी नहीं एग्जैक्टली बट यू नो स्मूदर में लेके जा सकते हो, पर ब्रश से अ लॉट ऑफ हाई एंड फाउंडेशन ऑल्सो डोंट गिव मी दिस. वट इज दिस, what is this, oh my god, can you believe it, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है मेरी स्किन में. what the hell, look at that glow, I mean I'm out of words. Mars, you have my heart. I mean who says makeup needs to be expensive, you haven't tried this yet. This is too good, too good. और अभी तक मैंने जितना मैंने आपको दिखाया वो ही लिया है एंड दिस इज द ग्लो. अंडर आईज भी डार्कर शेड ने कवर कर दिए पूरी तरीके से. मैट है, आई फील फुल कवरेज है. दिस इज फुल कवरेज, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक वेन आई हैव ब्लेंडेड इट विद अ ब्लेंडर विद माई फिंगर्स. दिस इज फुल कवरेज विद द ब्रश. आई शॉक हो चुकी हूँ मैं इस पॉइंट पे बहुत बहुत ज्यादा. Look at that. Look at that. I'm out of the world. Like, ये वे इतनी सस्ती फाउंडेशन कैसे आ सकती है? I think मैं बोलती रहूंगी, हम इसे ब्लेंड करते हैं, आप पाउडर पे जाके देखो. Or apply any powder. This is the closer view. Can you see that glow? It is a full coverage foundation for sure. ये मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड किया तो थोड़ा सा यहाँ पे है विजिबल, और मैंने कम भी लिया था प्रोडक्ट, पर यहाँ पे मैंने फुल पंप लिया है. फैन, वन नो वर्ड, मतलब वर्ड्स ही खत्म हो गए मेरे पास. ठीक है, आई एम गोना नाउ पाउडर, इस साइड पे पाउडर करके देखते हैं कैसा लग रहा है एंड देन यू कैन सी अ डिफरेंस. पाउडर के लिए मैं अपना मैक का पाउडर ही यूज करूंगी, दैट इज वॉट वर्क्स फॉर मी ऑलवेज. और मुझे कुछ ब्लेंडर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी. इफ यू नोटिस, मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रश से ब्लेंड किया और बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया. इधर भी कर लेते हैं थोड़ा सा पाउडर, मतलब आप इसे फुल कवरेज भी बना सकते हो, आप इसको मीडियम कवरेज भी रख सकते हो. वाओ यार, इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब मैं ये यूज करूंगी. और शेड मैच भी सही था, आई थिंक आई वाज गोइंग फॉर 4 और 4 ही अच्छा मैच हुआ मेरे से. इट्स अ पास. अब एक बार हम इसके सारे चेक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या क्लेम करते हैं वो है या नहीं. हाई कवरेज फाउंडेशन, वेल इट इज, कुछ भी नहीं दिख रहा, डार्क सर्कल्स भी छुपा दे, तो हाई कवरेज में हम इसे टिक देंगे. गेट ब्लेमिशेस फ्री बेस मार्स फाउंडेशन व्हिच इज डिजाइन टू सूट इंडियन स्किन टोन एंड प्रोवाइड हाई कवरेज, आई थिंक दैट इज ट्रू. इसमें हम चेक कर लेते हैं कि एसपीएफ है कि नहीं.
SPF नहीं है. अब मेरे को नहीं लगता ये ऑक्सीडाइज हो रही है, मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैच है. अगेन आई एम टेलिंग यू माय शेड इज 04. अगर आप लोगों को अभी तक शेड समझ नहीं आया तो जो स्वॉचेस मैंने स्टार्टिंग में दिए आप उसे स्क्रीनशॉट लेके क्लोज अप करके ना अपनी स्किन से उसे मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा. बट फॉर मी दिस इज अ 10/10, मतलब फुल पैसा वसूल फाउंडेशन है ये. यू हैव टू बाय दिस. मतलब मैट है गाइज, बट वो जो वो एक फाउंडेशन होते ना कि मैट तो है, वो तो दिख रहा है, बट एकदम स्किन लाइक फिनिश है, पूरी कवरेज, एयरब्रश फिनिश कैसे आ जाती है वो. मतलब मैं बोलती रहूंगी ये 349 रुपीज में ये कैसे हो सकता है. आई यूज टू थिंक दिस अ लॉट विद दिस ब्रांड लाइक स्विस ब्यूटी, और ये कि हाउ आर दीज प्रोडक्ट सो वेल परफॉर्मिंग एंड सो लेस प्राइज्ड. बट I'm a fan. I think मैं ये बोलती रहूंगी. So I better end this video now. Thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को अच्छा लगा. और ये non-sponsored है guys. I don't think reach there कि अभी मैं sponsor हो पाऊँ. But ये सब मेरे को PR में आया था through my Instagram. तो मेरे पास थे प्रोडक्ट्स, तो आई थॉट कि मैं यूट्यूब पे इसका रिव्यू कर दूँ, आप लोग भी अच्छे डिटेल्ड रिव्यू देख लोगे. तो दैट इज वॉट दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बट an amazing foundation. आप मुझे बताना next आप क्या चाहते हो मैं आप लोगों के लिए review करूँ. अगर आप लोगों को ऐसी videos अच्छी लग रही है, मैंने एक Etude House का भी किया था which went really good on YouTube, that is why I thought कि मैं ये कर लेती हूँ. And don't forget to like, share, subscribe to my channel और मुझे Instagram पर follow करो, वहाँ पर मैं बहुत amazing short form content डालती हूँ. I'm gonna see you in my next video. Bye.